हेलो गाइस, टोटल कूलिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है कि यूनिवर्सल रिमोट पर है, यूनिवर्सल रिमोट को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सेट करते हैं और कैसे हम अपने एसी को चला सकते हैं, तो इसके लिए आज की ये वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपका वेलकम है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पुराने हो तो आपका भी वेलकम है। दोस्तों मैं हूँ विकास, तो आज मैं आपकी जो वीडियो है एक यूनिवर्सल रिमोट पर मैं बना रहा हूँ और मैं इसे आपको कनेक्ट करके दिखाऊंगा एक एसी से, हायर का एक एसी है। तो पहले हम आप इस लिस्ट में देख लीजिए कौन कौन से एसी इसमें कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें 1000 एसी के रिमोट्स हैं, तो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इसमें वोल्टास का रिमोट नहीं है, तो ये वोल्टास से कनेक्ट रेयरली होता है। और अगर आपके पास जैसे कि बॉश का एसी है, डाइकन का है, हायर का है, हिटाची का है, शार्प का है, वर्लपूल का है, वो सारे इसमें कनेक्ट हो रहे हैं, तो वीडियोकॉन भी है। लाइक हमने जो कनेक्ट करना है वो हायर का है, और हायर के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो नंबर है कौन से चलने हैं। तो गाइस, एच से हायर एच से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो किधर गया ये देखिए दोस्तों, हायर है जो 1 से लेकर 19 तक पे चलेगा। तो उस रिमोट को सेट करने के लिए होता क्या है कि जो हमारा रिमोट है इसमें हमने सेट बटन पे जाना है, ठीक है दोस्तों। और ये जो 601 लिखा हुआ है, ये 601 है, ये ब्लिंक होना चाहिए, उसके बाद हम इसे इस नंबर तक ले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने 3 से 5 सेकेंड होल्ड करके रखना, वो ब्लिंक होने लग जाएगा। अब देख रहे हैं आप, ब्लिंक होने लग गया। तो अब हम इस नंबर को हमने 1 तक ले जाना भी 600 पर है। एक्चुअली मैंने कई एसी के साथ ही रिमोट सेट करके देख लिए हैं। तो गाइस, ऐसी अगर आपको पास कोई एसी हो जिसमें रिमोट ना लग रहा हो, तो आपने बस यूनिवर्सल रिमोट लेना है, वोल्टास का एसी नहीं होना चाहिए, बाकी एसी में ये काम करेगा। तो गाइस बस इसे मैं 1 तक ले आता हूँ। तो गाइस, इस रिमोट को कनेक्ट करने के लिए आपको मैंने बता दिया, सिंपली आपने सेट बटन को प्रेस करना लॉन्ग। तो जब आप ब्लैंक करेंगे तो आपकी ये देखो, ये ब्लिंक करने लगा है। अब आप इससे नंबर चेंज कर सकते हैं कि एसी आपका कौन से नंबर पे चलना चाहिए। तो इससे आपको, जब आप इसे ऐसे चेंज करते हो तो आपके जो आपने इसको अपने एसी के सामने रखना है, एसी एक बार बीप की आवाज़ करेगा, लॉन्ग बीप की आवाज़ होगी, उससे आप समझ जाएंगे कनेक्टिविटी के लिए तैयार हो गया है। तो उसके बाद आपने करना क्या, जब ये कनेक्टिविटी के लिए तैयार हो जाए और बीप की आवाज़ करे आपका एसी, तो उसके बाद आपने इस बटन पे जाना ओके। तो इसके बाद आपने जब इसे ओके कर देना है तो ये वहीं जाके सेट हो जाएगा। लाइक 31 पे मैंने इसे ओके करा है, तो 31 पे सेट हो जाएगा। उसके बाद आप इससे ऑन ऑफ करके देख सकते हैं अपने एसी को। अच्छा, टेम्परेचर अप डाउन करने लगेगा उसके बाद ये, और स्विंग काम करेंगे आपकी, कूलिंग मोड, टाइमर, ये सारे चीज़ें काम करने लगेगी। और एक चीज़ और, अगर आपको लाइक इसमें एक लाइट भी है जो कि आप प्रेस करोगे तो चल जाएगी, दोबारा प्रेस करोगे तो बंद हो जाएगी, मतलब इसमें एक टॉर्च भी है। तो एक बहुत अच्छा यूनिवर्सल रिमोट है। अगर आपको आपके साथ एसी के साथ के रिमोट नहीं मिलते हैं तो आप एक ऐसा रिमोट ले सकते हैं जिससे कि कनेक्टिविटी इजीली हो जाए और आपका जो एसी है काम करने लगे। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। दोस्तों एक बात और है कि अभी मेरा जो गिवे चल रहा है उसमें फॉलो जो उसकी कंडीशंस थी पूरी नहीं हुई है, तो आप अभी इसकी उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, उसमें कमेंट करना है आपको ताकि आप पा सकें एक गिवे वैक्यूम पंप जो कि वैल्यू का है। उसकी मैं आपको एक छोटी सी दिखा देता हूँ, ये वैल्यू का एक वैक्यूम पंप है जो आपको मिल सकता है। तो इसके लिए आपको बस 2-3 स्टेप्स को फॉलो करना है, तो गाइस ताकि आप इस वैक्यूम पंप को गेट कर सकें। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था।